जय रघुनाथ जी की साहब, मोबाइल टावर का चोर पुलिस का घेरा में, गाड़िया का चोर हाल तक पड़ा फेरा में, कोयक पैकेट में निकली मरे चूहा की लाश, उज्जैन का स्टेशन के भव्य बनावा की पूरी होएगा आस। एक से एक समाचार लेके आया हूँ आपका सबका वास्ते। समाचार उनमें से कभी पेशी रही जाए तो कमेंट में लिखी के जरूर बताइए हो ना। आपको अपना बुलेटिन है जितो एक फैलाओगा, आपकी अपनी आवाज मजबूत रहेगा। आज लपक के बुलेटिन शेयर करना हो, जय रघुनाथ जी की लिखना बिल्कुल मत भूल जाओ। चलो मना है आज का गणपति। लो साहब, आज को दासू समाचार सबका पेड़ा ले लो। उज्जैन वाला स्टेशन के नव जका जग करवा काम शुरू होवा जा रही हो। 850 करोड़ रुपया लगे के ना आखिर स्टेशन वाली बिल्डिंग त्रिनेत्रधारी बनी जाएगा। 26 फरवरी प्रधानमंत्री जी मोदी जी खुद स्टेशन वाली बिल्डिंग को भूमि पूजन करेगा। प्रधानमंत्री जी का हाथ भूमि पूजन मैंने भी यहाँ आएगा नहीं, जहाँ होएगा वहाँ से वीडियो के जरिए यानी कार्यक्रम से जुड़ी जाएगा। शनिवार सांसद अनिल फिरोजिया जी उज्जैन स्टेशन पर पहुँचा, यहाँ अधिकारी उनसे बात करी। सांसद जी बताई रहा कि उज्जैन का साथेज नागदा खाचरोद ने रुपेटा ये तीन स्टेशन के बड़ो बनाई रहा, क्योंकि उसमें उज्जैन भी को भी एक बहुत बड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे रेल मंत्री जी के द्वारा सौगात दी गई है। हमारा जो रेलवे स्टेशन है वो लगभग 850 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तर्ज पे जो भी सुविधाएं वो सब यहाँ पे उपलब्ध रहेंगी, और ये दो फेज में रहेगा, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज। उसी तारे दम में यहाँ रेलवे स्टेशन पे हम स्थल निरीक्षण करने आए कि 1 नंबर या 8 नंबर में से कहीं भी कार्यक्रम हमको करना है। माननीय मोदी जी के कार्य कमलों से 26 तारीख को 12:30 बजे कार्यक्रम यहाँ पे होने जा रहा है। कहीं पर चोरी हुई जाए, लूट हुई जाए तो हूँ सुनाने में देर भी न करूं, जब कहीं अच्छो काम हो तो वो भी दिखाने में देर नहीं। अपना उज्जैन वाली पुलिस ने शनिवार एक जोरदार खेल जमाई दियो। मोबाइल टावर उन कणे से महंगो सामान चुरा वाली एक आखी गैंग धरी ली, आनी गिरोह सरगना खुद मोबाइल कंपनी को ठेकेदार निकलियो। मुद्दो यो पुलिस कणा अलग अलग जगह मोबाइल टावर उन कणे सामान चोरी वक्त सूचना उन पहुंची रही थी। एक जगह सूचना है वाह भाई होएगा कोई छोटा मोटा मामलो, दो जगह 3, 4, 5 एक का बाद एक मोबाइल टावर पर चोरियां उनकी लाइन लगेगी। एसपी साहब प्रदीप शर्मा जी को लगे खुट को विंड ने झट एक अलग टीम बनाई ने लगाई थी काम पे। जहाँ टीम जो घूमी तो 7 के सोरी लाई, इनसे कोई 30 लाख रुपये का माल मिलियो। भाई उन कड़े 72 तो बड़ा बेटराज था, या गैंग पेड़ा कोई 20 जगह उन पर हाथ साफ कर चुकी है। इस सितंबर 2023 से एक बैटरी चोरी की गैंग यहाँ पर सक्रिय थी, जो मोबाइल टावर्स होते हैं उसमें ये लोग पहले से काम करते थे, इसलिए सारे इक्विपमेंट्स को जानते थे। इन्होंने करीब 7 घटनाएं अभी तक कबूली हैं जहाँ पर ये बैटरियों को चोरी करते थे। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके ऊपर 20-20 पुराने अपराध दर्ज हैं। साथ ही इसमें 2 इंदौर के खरीदार हैं जो ये चोरी की हुई बैटरीज को खरीदते थे और रीयूज करते थे, उन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। इसमें 10,000 रुपये पूरी टीम को इनाम दिया जा रहा है। साथ ही अभी इनको और रिमांड पर लेके, क्योंकि ये 2014 से एक्टिव क्रिमिनल्स हैं, तो इनके संबंध में और भी जानकारी ली जाएगी। इन्होंने अन्य जिस भी क्षेत्र में अपराध किए हैं संबंधित पुलिस को भी सूचित किया जाएगा और इनके खिलाफ और कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल टावर वाला चोट्टा उन पकड़ी लिया, वाह भाई साहब अबे जरा इन पे निगे मारी लो। माधव नगर वाला क्षेत्र में गया 8-10 दिन से चोट्टा उन जख नहीं खाई रहा। सड़क पे खड़ी सगली गाड़ियां उनको ससुराल का माली ने हमजी के चटकाई रहा है। अम्बापुरा वालों यो एक वीडियो देखी लो, एक साथ 3 मोटरसाइकिल उन गई है। माधव नगर थाना क्षेत्र में रात में 3 गाड़ियां चोरी गई हैं, जिसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने आसपास एरिया में वीडियो फुटेज खंगाले थे, उसमें कुछ वीडियो फुटेज प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर हम आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। गांव हो कटवाना तो पहला दाढ़ क्या ढूंढवन जाना, गया भी जमाना। अबे तो बाजार में आई गयो एबीएस कंपनी वालों रिपर वाइंडर, 1 घंटा में 1 एकड़ का पूला बांधी के अंदर ही दे सगड़ो काम खटाखट करी दे। आखा सीजन को धागो खेत पेज खाली 1 घंटा में सर्विसिंग, पार्ट सुन की सगली रेंज, फसल काटवा को तरीको करो चेंज। एबीएस को रिपर वाइंडर लेके ना आई जाओ ना। एक और खास बात, दूजी कंपनी उन आपके रिपर वाइंडर पर वारंटी नहीं देगा, खाली माल दे के भूल ही जाएगा। एबीएस का रिपर वाइंडर पे
एक सीजन की फुल एंड फुल वारंटी। सोचो कई उज्जैन मंडी का माँ है जैन मंदिर कने मारा भाई मोहित अमलावत को शोरूम है लक्ष्य इंटरप्राइजेस। नाम ध्यान रख जो हो एक बार वापर कर देखी लो। उनतीस फरवरी वह तारीख जब अपना बाबा मंकाल राजा दूल्हा बनी जाएगा। उनतीस से लेके 8 मार्च तक आखा 9 दिन भगवान का ब्याह को मंदिर का अंदर उत्सव चलेगा। भोग आरती यूं रोज अवेरे 10:30 बजे हो संध्या पूजा 5 बजे हो। शिव नवरात्रि में भोग आरती दफोर में 1 बजे न संध्या पूजन 3 बजे होएगा। इसको नवरात्रि बोलते हैं, शिव नवरात्रि के रूप में इसको माना जाता है और पंचमी से प्रथम पूजा होती है। तो प्रथम पूजा अभिषेक के लघु रुद्रादि अभिषेक के से प्रारंभ होता है। 11 पंडित प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं। सुबह प्रातः काल कार्यक्रम आयोजन होता है और शाम को भगवान के नित्य नए श्रृंगार किए जाते हैं। आखा प्रदेश में हाल का दिन उनमें 10वीं 12वीं बोर्ड वाली परीक्षा चली रही है। परीक्षा जज से शुरू हुई, जज से परीक्षा लेने वाला मार साहब उनका भी मार साहब मैंने केंद्राध्यक्ष उन सरकार से नाराज चली रहा था। मुद्दों यो कि परीक्षा लेने वाला उनका तो सरकार ने एक बच्चा पैसा 100 से 150 करी में लिया था, पर केंद्राध्यक्ष उनका पैसा खाली 75 से 80 रुपये बढ़ाया मैंने खाली 7%। गायधन मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी उज्जैन आया, सगला केंद्राध्यक्ष उनविन से मिलिया ने अपनी बात रखी। वहीं का ना नकुर थी, ओ भाई थमारा बड़ाई था, जहाँ 75 का 80 हुआ था वहाँ 80 का 110 रुपया हो गया। सगला बड़ा मार साहब उन खुश, सगला मिली के ना उज्जैन में मुख्यमंत्री जी वाला ऑफिस में पहुंची गया। यहाँ विनसेत का मुलाकात होनी थी, मिली गया शिक्षा विभाग वाला प्रभारी मुकेश जैन साहब। मुख्यमंत्री जी वालों साफो विनकेज बांधी आया। आज उज्जैन जिले के समस्त 81 केंद्राध्यक्षों को रिप्रेजेंट करते हुए केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय में उपस्थित हुए। हमारे केंद्राध्यक्षों का मानदेय 80 से बढ़ाकर 110 रुपये किया गया। इसके लिए हमें सभी केंद्राध्यक्षों ने यहां पर आकर धन्यवाद ज्ञापित किया है और भविष्य में इस प्रकार का सहयोग हमको मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ हम सभी केंद्राध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में स्वागत करते हैं। एक सीन आपके देवास को भी दिखाऊं। देवास में एमजी रोड वाली एक किराना दुकान से कणी समीर ने 6 दिन पहला टेस्टी पोयाक 2 पैकेट खरीदा था। कल एक खोली देखो तो माथो चकराई गयो, पोयाक पैकेट में एक छोड़ दो मरिया हुआ चूहा निकलिया। बताओ आप, पैकिंग माल बेचो वाली कंपनी उनका ही हाल है। खाद्य सुरक्षा वाला भाई सुरेंद्र सिंह जी झट आने दुकान पर पहुंचा, सगला पैकेट ढूंढ जब्ती में लिया। जो समी जी है मेरे पुराने बहुत पुराने कस्टमर हैं, बहुत अच्छे कस्टमर हैं, ये मेरे फर्म पे कई सालों से आते हैं। ये मेरे साथ 2 पैकेट ले गए थे पोहे के, तो उन्होंने एक यूज़ भी कर लिया, वो बहुत अच्छा निकला, उन्होंने पूरा कंज्यूम कर लिया। सेकंड पैकेट जो उन्होंने खोला उसमें से चूहा मरा हुआ निकला है, उसमें से स्मेल आ रही है। तो इन्होंने फूड ऑफिसर में कंप्लेन करी थी। ये सैंपल लेके मेरे पास आए, अभी सर के साथ ही आए, उन्होंने और भी सैंपल लिए हैं। और एक्चुअली क्या पैक है, पैकेट जो ले गए थे वो भी पैकेट पैक था, उसमें से जो भी इंसेक्ट निकला उसमें दुकानदार की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि वो उसका फ्रेश माल है, जनवरी का लेटेस्ट माल है, और हम जिस बिलिंग से लेते हैं वो ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है। वो कौन सी कंपनी है? हैस्टी टेस्टी है, एमजी रोड पे है, यहाँ पे है, गुरु नानक किराना पे पहुँचे हैं। यहाँ पे जो टेस्टी हुआ है इसमें कुछ इंसेक्ट मरा हुआ मिला है, और इनका जो शिकायत करता है उनका शिकायत दी गई। हमने 1 हफ्ते पहले पोहा लेके गए थे और खोलने पे इसमें स्मेल आ रहे थे, खोल के देखा तो उसमें इंसेक्ट पाया गया। सर क्या अभी हम लोग जाँच के लिए पहुँचे हैं, उस बेज का पोहा हम लोग जाँच के लिए सैंपल लेके भेज रहे हैं, और जो लोग खरीद के लेके गए हैं उसको भी हम लोग हमारी जब्ती में ले रहे हैं, जो अग्रिम कार्रवाई के लिए हम लोग रखेंगे एविडेंस के रूप में। देवास को एक और समाचार, अपना भाऊ दिलीप बांगड़ जी पाछा भाजपा में आई गया। 5 साल पहला बांगड़ साहब पार्टी नाराजगी का चलते बाहर हुई गया था। शनिवार सांसद महेंद्र सिंह जी सोलंकी दूजा पदाधिकारी उन नवीन के हमजायो गई बात, उन पे मिट्टी डालो, एक बात बांगड़ साहब पाछा लौटी गया अपना घर। आज संत रविदास जयंती है और मेरा मन बिल्कुल चंगा है। पार्टी के प्रति समर्पण भाव से, निस्वार्थ भाव से मैंने 40 साल पार्टी की सेवा की। मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकता कि मैं किसी दूसरे दल का चयन करूं, इसलिए मैंने 5 वर्ष प्राथमिक सदस्यता इस्तीफा देने के बाद बजरंग बाबा की श्री चरणों में सेवा में गुजारा है।
और यह भी पार्टी का कार्य एक सेवा के दृष्टिकोण से होता है और मैं जनसेवा के दृष्टिकोण से पुनः पार्टी में सक्रिय भागीदारी के रूप में जनसेवा करना चाहता हूं। देवास की बात चली रही तो यहाँ को शनिवार को सबको बड़ा घटनाक्रम भी देखी लो। ये पोस्टर देखी रहे हो, टेशन रोड कने का कब्रस्तान ने मरगट वाला रास्ता विवाद का चक्कर में शनिवार यहाँ कने रहे वाला कजा कितना घर वाला उनने अपना ही पोस्टर चिपका ही दिया। इन पर सब पे लिखो था क्या प्रशासन की वजह से हम ही घर बेची के जावा मजबूर हो गया। मुद्दों कई है, ये लोग आपके बताएगा। सर हम ये इस विरोध पर है कि यहाँ हमारा ये मकान है और इन लोगों का ये कब्रस्तान है पास में, तो इनको इनका उधर से ले जाने का रास्ता बंद हो गया है। अभी हमारे घर के पास में यहाँ रास्ता मांग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पहले भी कोई रास्ता नहीं था और अब भी कोई रास्ता नहीं है, जबरदस्ती यहाँ रास्ता मांग रहे हैं। अब उनको बोलो तो बोलेंगे कि तुम्हारे घर भी तोड़ो, तो हमारे घर तोड़ के रास्ता मांगे, हमारे घर में रास्ता देंगे क्या इनको? उस पूरे विषय को समझने के बाद मैं जिला प्रशासन से बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूरी तरह से हिंदुओं के साथ है। इस प्रकार की परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई कि उन्हें इस तरह का पोस्टर लगाना पड़ा, उसकी तह में जाया जाएगा, उन कारणों को जाना जाएगा और जो भी कारण होंगे उन सभी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। मैं स्वयं उस मामले का अध्ययन करने के पश्चात जिला प्रशासन से बात करूंगा। शनिवार भगवान रूपी संत रविदास जी महाराज वाली जयंती थी। वृंदावनपुरा वाली पानी टंकी कनेक धर्मशाला पे रविदास समाज वाला भाई बहने उनने कार्यक्रम आयोजित करियो थो। महापौर मुकेश टटवाल जी, शेर कांग्रेस वाला पूर्व अध्यक्ष आनंद नारायण मीणा जी भी यहाँ पहुंचे, गुरु गादी मत्थो टेक्यो। मारा भाई सोनू चंद्रवंशी के जरिए ये वीडियो अपने मिली पाया है। संत रविदास जी महाराज वाली जयंती की एक धूम आलोट की भी देखी लो। आलोट का माय भी अखिल भारतीय सूर्यवंशी समाज वाला भाई बहने उनने जबरो चल समारोह निकालियो थो। घटिया कने का बिछड़ो गांव में श्वेतांबर जैन समाज का जूना सुविधिनाथ जी विमलनाथ प्रभु जी वाला मंदिर की माए माघ सुधी पुण्यम पर नारा सारा धार्मिक आयोजन हुआ। भगवान का पाद प्रक्षालन, स्नान, अंगी रचना, पूजा, शांति कलश सगली विधि उन विधान का साथ पूरी हुई। महावीर नवयुवक मंडल वाला सगला भाई उन यहाँ सगली गतिविधि उनमें बड़ी चढ़ के भाग ले। धार्मिक गतिविधि उनमें एक समीचार इमली खेड़ा को भी देखिला। कला पीपल कने का इमली खेड़ा गांव में तालाब में विराजमान शक्ति माता के दरबार में एक दिन को मेलो भरायो। हर साल माघ महीना पूनम पे यहाँ खूब यात्री उन जुटे, लोगों की मन्नत पूरी हुई तो प्रसाद चढ़ाना आए। यहाँ का लोग आज बताए कि यो मंदिर हजारों साल पुराना है। लगे हाथ एक वीडियो खलाना गांव में निकलिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन को भी देखिला। नरेंद्र सिंह जी कुशवाहा के जरिए यह वीडियो अपना गण तक आयो है। उज्जैन मंडी की रविदास जयंती का वास्ते शनिवार की छुट्टी थी। लसन की नीलामी बंद रही, खाली आलू और प्याज की नीलामी जरूर चल लू रही। शनिवार आलू की 5,000 कट्टा की आवक रही। आलू भाव 400 से लेकर 1600, मॉडल भाव 1100 का रहा है। प्याज की 1300 कट्टा की आवक रही। प्याज का भाव 350 से लेकर 2300, मॉडल भाव 1700 का रहा है। आपने देखिए आज का बुलेटिन आपके कैसे लगे बता दो जरूर। काले फिर हाजिर होऊंगा आपका सबका वास्ते कहीं ना कहीं नई चीज लेके। महारे हेमंत सेन के दीजिए इजाजत। जय रघुनाथ जी की।